हेलो डोरा, देखें जी क्या करिए। डोरा को ये अपना बेबी बड़ा प्यारा लगता है। वैसे प्यारे तो उसे दोनों ही हैं। ब्लैक ही बड़ा एक्टिव है। यू कितना क्यूट लग रहा है। ब्लैकी अपने व्यूवर्स को हेलो बोलो। हेलो को प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये देखें जी कह रहा प्लीज सब्सक्राइब। डोरू ब्लैकी से प्यार नहीं कर रही ना। डोरू मम्मा से नाराज हो गया ब्लैकी। ये देखें क्यूट लग रहा है। देखें खेल रहा है वो। और आपको पता है मैंने नए पैरट्स भी लिए हैं, जो कि मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा क्यूट हैं वो भी। इसको बाहर आना है। और वैसे तो मैं इनको जो है टोकरी के अंदर कपड़ा बिछा के वहाँ पे रखा हुआ था, लेकिन फिर जो ये है हुमायल का बिस्तर था तो ये थोड़ा सॉफ्ट था, मैंने इसके अंदर इनको लिटा दिया, जो कि ये बहुत ज़्यादा खुश है। दो बस कर दो, इसकी शरारतें देखें। ओह क्यूट। अब दोरू आ गई है। कितने क्यूट लग रहे हैं। ये देखें ये सो रहा है, दूध भी पी रहा है। कह रहे छोड़ो मम्मा। और ब्लैकी जो है वो है फीमेल। ये देखें ये फीमेल है और दूसरा वाला जो है वो मेल है। दूसरे वाले को ना खुद ही हटाना पड़ेगा। ये वाला भी बहुत क्यूट लगता है। ये देखिए पर ये बहुत गंदा रहता है। डोरो इसको ना ग्रूम नहीं करती सही से। देखें जो मदर होती है ना वो यूरिन उनको पास आउट कराने के लिए इस तरह से लीक करती है, जिससे किटन्स जो होते हैं उनकी बाउल मूवमेंट भी जो है वो तेज़ होती है और जल्दी से वो है यूरिन और स्टूल पास कर देते हैं। अल्लाह ताला ने मदर के अंदर क्या क्या चीज़ें रखी हैं कि वो किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन करती है ये देखें। लेकिन अगर मदर नहीं है, किसी वजह से डेथ हो गई है, तो हमें ये सब कुछ खुद करना पड़ता है। और मोस्टली किटन्स जो होते हैं वो 15 से 20 डेज तक स्टूल पास आउट नहीं करते, जस्ट यूरिन करते हैं। ये देखें ये फिर जा रहा है। ये लो जी। चलें ठीक है, थैंक यू। आपने मेरे किटन्स को देखा और जिनको लाइक भी किया और अच्छे थे, कमेंट भी करेंगे इंशाल्लाह। क्यूट लगता है।